नमस्कार। इस समय के एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताना चाहेंगे आपको राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के क्वार्टर के पास यानी मिला जिंदा ग्रेनेड। पुंछ डीएसपी मुख्यालय ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड की जांच की। वहां पर आप बताना चाहेंगे, इस समय तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिंदा ग्रेनेड मिलने के बाद वहां का हड़कंप मच गया। पूरी बम स्क्वाड वहां पर पहुंचा है और आप देख रहे हैं पूरी तरह से एजेंसी वहां पहुंची हुई है। हमारे सुरक्षा बल और पुलिस वहां तैनात है और पूरी मुस्तैदी के साथ इस ग्रेनेड को यानी कि आप ये बताना चाहेंगे आपको इसकी जांच की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिंदा जो ग्रेनेड है मिला है एक पुंछ बताना चाहेंगे आपको सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के क्वार्टर के पास। ये आप इस समय की तस्वीरें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादी पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू संभाग में को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल में अगर बात करें, आपको बताना चाहेंगे, अगर बात करें कठुआ के हीरानगर की या बात करें हम रजौरी की या बात करें रियासी की या पुंछ की या डोडा की, किस तरह से ये कायर आतंकी हमारे सेना को निशाना बना रहे हैं, उसी तरह अगर बात करें लगातार प्रयास करें कि माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ श्री अमरनाथ यात्रा आप देख किस तरह से पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए अमरनाथ यात्रा के लिए, उसी के चलते लगातार इस तरह की जो कारस्तानी ये कायर आतंकी कर रहे हैं, लगातार हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से खंगाल रही है, तैनात है। लगातार अगर बात करें डोडा में भी लगातार हमारे जो सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी के चलते अभी तक की बड़ी खबर जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल जो है ये आपको बता रहे हैं, ये पुंछ से आ रहे हैं जहां पर बताना चाहेंगे राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के क्वार्टर के पास एक जिंदा ग्रेनेड मिला है और वहीं पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मौके पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है। और ये भी आप बताना चाहेंगे कि उस जिंदा ग्रेनेड को डिफ्यूज भी किया जाएगा। ये समय की तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं जब इस तरह की चीज कोई मिलती, इस तरह का मिलता है कि लोग जो वहां पे हड़कंप, और ये भी अस्पताल के यानी के क्वार्टर के पास मिला है कि कहां से आया, किसने यहां पर रखा, क्या यहां पर कोई बड़ी साजिश होने वाली थी जिसका पर्दाफाश हुआ है। कंटिन्यू बोलोगे थोड़ा सा? बोलो ना। मेरा नाम गुलफाम है। बताएं क्या हुआ है? एक्चुअली मैं अंदर सब्जी बना रही थी तो बच्चे हमारे भी और साथ वाले क्वार्टर के भी बच्चे थे मलिक साहब के, तो सारे ऊपर खेल रहे थे तो मेरा छोटा भी साइकिल लेके ऊपर गया हुआ था। अचानक से बच्चे नीचे आए, कहते हैं ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं गई ऊपर जाके देखा
तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे बिजली वाले दो चार दिन पहले काम कर रहे थे तो शायद वही कुछ है। तो मैंने बिजली वाले भैया को, बख्शी भैया को किया फोन। मैंने कहा आपने बिजली का काम किया था, इधर तारे लगाई थी, तो आके देखो जरा यहाँ पे कुछ है पड़ा हुआ। मैंने कहा वीडियो कॉल उठाओ। उन्होंने वो जब तक आई गई इधर, तब तक फिर हमारा ये सिक्योरिटी गार्ड है, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा चौकी ऑफिसर को बोलो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो फिर तब तक वो भी आ गए, फिर पुलिस भी आ गई, तो उन्होंने देखा कि ये पड़ा हुआ है, तो बच गए हम सारे। क्या चीज थी? अब पता नहीं, वही कहते हैं कि ग्रेनेड पड़ा हुआ था। तो हमने तो पहली बार देखा सर, तो अब पता नहीं क्या था, ग्रेनेड था वहाँ पे पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम आलिया जामगीर है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ जी। और हम, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड के ब्रदर और मेरी दो सिस्टर हैं, हम सारे खेल रहे थे ऊपर छत पे, और हमें ये चीज़ दिखाई दी। बस हम ऊपर पाँव रखने लगे थे, हमें ये चीज़ दिखाई दी और हम साइड हो गए। जो मेरी फ्रेंड का ब्रदर था वो कहने लगा कि बॉम्ब है, साइड हो जाओ आप, ये बहुत खतरनाक है। और मेरी जो फ्रेंड है उसके फादर और मदर और मेरी मदर और मेरी जो चाची थी वो आगे, वो कहते हैं बॉम्ब है, साइड हो जाओ आप। तो अभी हम पुलिस को बुलाते हैं, ये साइड कर देंगे। आपके बच्चे, आप कितने बच्चे थे ऊपर जो खेल रहे थे? हम 5 बच्चे थे ऊपर खेल रहे थे। तो आप रहने वाले कहाँ के? हम सैला के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? जी मेरी मम्मा की ड्यूटी लगी है पुलिस मैन में, हम इसीलिए इधर रहते हैं, मेरे चाचू के घर पे हैं। तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा की डेथ हो गई है, पुलिस मैन थे वो। तो अब पापा की जगह मम्मी जॉब कर रहे हैं जी। तो अभी आप किसके घर आए हो यहाँ? मैं मेरे चाचू के घर पे रहती हूँ। चाचू क्या करते हैं काम? चाचू है डॉक्टर, नहीं कुछ हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, थैंक यू।